हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है बाजिटी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज मेरे बहुत ही अजीज दोस्त रशेश हमारे साथ हैं। तो रशेश एक अच्छे एक्टर एंड बिगनर फैशन मॉडल भी हैं। एंड आज हम इनसे कुछ टिप्स ट्रिक्स एंड मॉडलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रशेश भाई, आप किस किस ब्रांड के लिए या कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट मिले या क्या क्या काम अपने मॉडलिंग करियर में अपने किए हैं? तो मैं अगर कहूँ कि मैंने अपना जो मॉडलिंग करियर स्टार्ट किया था वो मैंने ऑनलाइन प्रिंट शूट से स्टार्ट किया था, जैसे कि आपके अमेज़ॉन हो गया, क्लब फैक्ट्री, स्नैपडील वगैरह, इन सब से मैंने स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद मेरे को एक उसके बिहाफ पे मेरे को एक वो मिला, मैगज़ीन कवर पेज मिला, फिर एक एक सॉन्ग मिला, फिर एक्टिंग में भी कुछ चीज़ें मिली करने के लिए, और मैंने रैंप वॉक भी काफ़ी करी है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक उसका करा था, लिवाइस की वो थी जीन्स के लिए मैंने रैंप वॉक करी थी। एंड एक एडवर्टाइजमेंट भी कर चुका हूँ मैं जिसमें दिखाया जाता, वो एक अर्बन गबरू मेंस लाइफ स्टाइल का एक एडवर्टाइजमेंट था, रिसेंटली आया अभी, तो उसमें मैंने ओके, काम अर्बन किया। गब्रू एक मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट है और ये स्पेशलाइज करता है बियर्ड एंड मुस्टैचेज में। एंड भाई की हमारे आ नहीं रही यार कोई मैं यार कोई बात नहीं। नहीं। तो एक्टर, मॉडल और मॉडलिंग होते क्या हैं? अब अगर मैं स्टार्ट करूँ मॉडलिंग से, तो मॉडलिंग बेसिकली एक ऐसे एक पर्सन के ऊपर एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट है कि जिससे आप अपना किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। लाइक जैसे मैं एक मॉडल हूँ, तो मैं एक किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ अपने अपनी बॉडी के थ्रू, अपने थ्रू। और अगर बात करूँ एक्टिंग की, तो एक्टिंग तो यार एक आर्ट है, वो आपको देखते देखते ही आता है, करते करते तो आता है। ठीक है, तो एक मॉडल के लिए एक पोर्टफोलियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो देखो, पोर्टफोलियो होता है एक आपकी, मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो एक हार्ड कॉपी में भी आता है और सॉफ्ट कॉपी भी आती है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली आपकी फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, एक अच्छी फ़ोटोग्राफ्स जो एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के थ्रू ली जाती हैं। तो उनमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका आउटडोर पोर्टफोलियो, एक इंडोर पोर्टफोलियो। इंडोर पोर्टफोलियो बेसिकली बैकग्राउंड्स के थ्रू होता है, आउटडोर अच्छी लोकेशंस पे होता है। पोर्टफोलियो की एक कह सकते हो कि एक जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है पोर्टफोलियो की, बहुत होती है एक मॉडलिंग करियर को किक स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि पोर्टफोलियो, आप बिना पोर्टफोलियो के भी बन सकते हो मॉडल, ये चीज़ नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो आपको हेल्प करती है जल्दी से काम ढूंढने में। जैसे आप अपना पोर्टफोलियो किसी एजेंसी के पास लेके जाते हो, तो आपकी जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ्स हैं और साथ साइड बाय साइड अपने आप उनको ऑर्डिनरी फ़ोटोग्राफ्स दिखाओगे जो अपने अपने फ़ोन से क्लिक करें, तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपकी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ्स को मिलेगा, इस वजह से आपको काम मिलता है। अगर जैसे हमारे काफ़ी यंग व्यूअर्स होंगे, वो मॉडलिंग करियर में कदम रखना चाहते होंगे, तो एक मॉडल को मॉडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है और मॉडलिंग करियर कैसे स्टार्ट करें वो? तो देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि बहुत बड़ा मिथ है मॉडलिंग में कि हमें सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, लीन फिगर होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे कुछ नहीं है मैं मस्कुलर भी नहीं नहीं, हूँ पहले जिम जा रहे हैं आजकल हमारे भाई आज जिम जा रहा हूँ। तो क्या होता है कि एक अगर किसी भी यंग लड़के को मॉडल बनना है, तो बेसिकली सबसे पहले उसे अपने ऊपर काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मस्कुलर हो जाओ, बॉडी वॉडी बना लो, नहीं, फिट हो जाओ, पतले हो जाओ, और अपने आप को बेसिकली कॉन्फिडेंट बनाओ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप एक अच्छे मॉडल, अच्छे एक्टर, कुछ भी बन सकते हो लाइफ में। बेसिक जो चीज़ है एक मॉडल बनने के लिए, वो होना ज़रूरी है कॉन्फिडेंट। और अगर आपको जैसे काम ढूंढना है, तो सबसे पहले जाके गाइस एक पोर्टफोलियो बनवाओ। पोर्टफोलियो की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँ, मैंने भी थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, मैंने भी करा है, बहुत करा है। पोर्टफोलियो की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो ना आपकी एक प्रोफाइल है, कंप्लीट प्रोफाइल, आपकी हर चीज़, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स हर चीज़ रखता है पोर्टफोलियो। तो आपकी एक प्रोफाइल होती है जिसे आप जाके लोग एजेंसीज को देते हो, तो वो चीज़ हेल्प करती है आपको काम ढूंढने में। जो नए मॉडलिंग करियर में आना चाहते हैं लोग, उनके वो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, 50,000 50-60 हज़ार रुपये लगेगा, आपको पोर्टफोलियो लग जाएगा। तो ये कितना बड़ा झूठ है और कितने लोग इससे मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? और एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए अच्छा, एक मैं आइडियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए? एक तो देखो, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब कुछ नहीं पता था मेरे को, मैं अभी करीब 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि मॉडल कैसे बनूँ। मैं यहाँ वहाँ की यूट्यूब वीडियोस देख देख के यहाँ सब कर रहा था। तो एक जगह मैं फंस गया था,
क्या हुआ था, उस बंदे ने मेरे से बोला था कि आप मेरे को 25,000 रुपीज़ पे करो, आपको साइड बाय साइड मैं 3 अमेज़ॉन के शूट्स दूंगा, एक मैगज़ीन कवर दूंगा और एक पोर्टफोलियो बनेगा आपका। नहीं, उसने कहा था पोर्टफोलियो बनाएंगे पहले, उसके बाद आपको सिलेक्ट होने के बाद आपको ये सब देंगे, लेकिन आपको 25,000 पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा यार, मेरे को थोड़ा लगा उस टाइम, मैंने कहा यार ये चीज़ क्या है मैं, बट हाँ वो बाय लक में फंसा नहीं। तो एक वो बोलते हैं कि 50,000 दो, 60,000 दो। देखो यार, मैं कहूँगा वेस्ट है, कि अगर आप पैसे दे के कोई काम ले रहे हो, ठीक है ना, पैसे दिए आपने और आपने एक, चलो एक दो तीन शूट कर भी लिया, क्या फ़ायदा? जिस चीज़ के आपको पैसे मिलने चाहिए उस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो। तो ये चीज़ सोचो, ये जो बेसिकली जो मिडिल मैन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये लोग आपके जो पीछे से बजट आता है उसमें मॉडल्स के भी पैसे होते हैं, ठीक है ना, तो ये लोग वो पैसे भी रखते हैं और उल्टा आपको काम देने के लिए आपसे भी पैसे ले लेते हैं। तो एंड में इनका ही फायदा होता है, आपको एक फोटोग्राफ मिल जाती है दिखाने को अपने दोस्तों के लिए कि देखो मैं ये करके आया हूँ, कुछ नहीं होता ऐसा। पोर्टफोलियो के लिए जो बेसिक अमाउंट आपको खर्च करना चाहिए वो है मुश्किल से 15,000, आई थिंक, मेरे हिसाब से, मैंने जितना अब तक करा है 15,000 पे करे थे मैंने पहले पोर्टफोलियो के लिए। तो जो मॉडलिंग एजेंसी होती है, इनका क्या महत्व रहता है एक मॉडल के करियर में? देखो, मॉडलिंग एजेंसी का ही इम्पोर्टेंस रहती है एक मॉडल के करियर में। तो मॉडलिंग एजेंसीज बेसिकली क्या करती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं या फिर फिल्म मेकिंग कंपनीज होती हैं, प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, वो इन मॉडलिंग एजेंसीज को हायर करते हैं मॉडल्स के लिए, ठीक है। तो फिर ये एजेंसीज बाद में मॉडल्स को ढूंढती हैं जो उनके पास आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ये लोग ऐसे कास्टिंग कॉल टाइप का एक निकालते हैं और उसके बाद मॉडल्स उनके पास जाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे काम चाहिए। तो मॉडलिंग एजेंसीज आपको हेल्प करती है काम दिलाने में, बशर्ते कि वो मॉडलिंग एजेंसी कोई फ्रॉड ना हो। बहुत सारी अच्छी जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज हैं दिल्ली में। और एक मॉडल बनने के लिए कोई एज या हाइट रिस्ट्रिक्शन? ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखो, हाइट आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी ये हाइट है, आपको इसी पे आपको मॉडलिंग काम मिलेगा, उसके नीचे अगर आपकी हाइट है तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बस ये है कि हाइट आपकी एक प्लस पॉइंट होता है, आपको एक कंसिडरेशन में आने के लिए हेल्प करती है मॉडलिंग मॉडलिंग वर्ल्ड में। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरी हाइट है अराउंड 5'10", तो यस, कि अगर आप, मैं अगर सच कहूँ तो 5'8" से ऊपर हो, है ना, तो 5'8" से ऊपर हो तो आपको एक, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। वरना मैंने बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं जो ऐसे 5'5" भी हैं, 5'3" भी हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो एक मॉडल किस हद तक और कितने पैसे कमा सकते हैं? जैसे कि मैं एक, मतलब मॉडलिंग बेसिकली मॉडल्स तीन उसमें डिवाइड होते हैं। एक तो होता है आपका बिगिनर मॉडल, बिगिनर फैशन मॉडल, देन होता है आपका प्रोफेशनल मॉडल, एंड लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है सुपर मॉडल्स का। तो एक, जैसे एक मॉडल है बिगिनर मॉडल है, अगर उसका मतलब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, जैसे मैं ही हूँ, तो उसकी पेमेंट अराउंड, आई थिंक, अगर वो 1 महीना लगातार शूट्स करे, काम मिल रहा है उसे, तो आराम से 32-35,000 आराम से कमा सकता है 1 महीने में, बहुत आराम से 30-35, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाता है, 50-60,000 आपको रेगुलरली काम मिल रहा है। वरना काम नहीं मिल रहा तो आप 5,000 भी भटक जाओगे, तो वो इशू नहीं है। हाँ, और प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं, प्रोफेशनल मॉडल्स बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कोई फैशन क्लोथिंग कंपनी है, उसने हायर कर लिया एक मॉडल को कि आप ऐसे ऐसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो, तो आपको हर शूट के लिए आपका रेगुलरली बेसिस इतना रहेगा, और हर शूट के लिए आपको ये काम मिलेगा, ये एंडोर्समेंट्स मिलेंगी, ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, फ्लैट मिलेगा, ये सब होता है। और जो सुपर मॉडल्स होते हैं यार, उनका तो क्या ही कंपैरिजन है, उनका तो किसी से कंपैरिजन नहीं है, उनका सुपर स्टार से कंपैरिजन नहीं है। मैं कहूँ जैसे जो आजकल सुपर स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनकी और एक सुपर मॉडल में बस फेमस होने का फ़र्क है। एक एक्टर सुपर स्टार फेमस है और एक सुपर मॉडल फेमस नहीं है, बस पैसे उतने ही कमाते हैं वो, अर्न उतने ही करते हैं। ठीक है, वो भी मतलब महंगी महंगी बातचीत। बातचीत है। मैं जानना चाहता हूँ कि मॉडल बनने के लिए मॉडलिंग क्लासेस की इम्पोर्टेंस है, और अगर है तो कितनी इम्पोर्टेंस है? मॉडलिंग क्लासेस की, तो देखो, मॉडलिंग क्लासेस आप अपने आप पे करके जाओ उन्हें कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे मॉडलिंग क्लासेस दो, तो वो वेस्ट है। अगर आपकी मॉडलिंग एजेंसी आपको खुद ऑफर करती है कि हमारी ये है क्लासेस हैं, आप इसे अटेंड करो, आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपसे पेमेंट नहीं मांगती फ्री में, तो कर लो यार, क्या दिक्कत है। मतलब इधर भी फ्रॉड सिस्टम चलता फ्रॉड रहता सिस्टम चलता है है। यार। देख, मतलब दिल्ली के, मतलब इंडिया के अंदर, तू मानेगा सनी, सनी
सनी बोले बड़े खतरनाक ठीक है कर दियो एक्चुअली मेरा निकनेम सनी है जो लोग नहीं जानते तो ठीक है। तो देखा क्या होता है हर महीने यहाँ पे कम से कम दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कम से कम लाखों आपके वो होते हैं वो फैशन शोज़। और फैशन शोज़ का क्या रहता है कि आप आइए, आप ऑडिशन के लिए आइए, ठीक है, ऑडिशन के लिए गए, अब ऑडिशन में वो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि 5,000 रुपये दो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए। अब 5,000 रुपये जो देते हैं वो आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, और जो नहीं देते वो घर चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आप हमें 1,00,000 रुपये दो और हम आपको क्लासेस देंगे मॉडलिंग की, चीज़ें सिखाएंगे, पोर्टफोलियो बना के देंगे, फिर आपका आपस में एक शो करवा देंगे। अब उसमें घर वाले आते हैं, यहाँ वैसे लोग आते हैं, बोलते हैं कि अगर आपकी किसी बड़ी ये प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, अगर आपकी किसी किसी प्रोड्यूसर की आप पे नज़र लग गई तो अब वो आपको काम दे देंगे। अबे यार लग के भरोसे हद है। तो अब ये चीज़ है कि मॉडलिंग क्लासेस का एज सच पैसे दे के लो तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हाँ अगर फ्री में मिल जाए तो कर लो, क्या दिक्कत है। तो हमें कैसे पता चले कि कोई फ्रॉड है या कोई जेन्युइन है? देखो जो भी आपको काम देने के लिए पैसे मांग रहा है वो फ्रॉड है। ओके तो काम करने के पैसे मिलने चाहिए ना कि आपको पैसे देने पड़े। सो अब एक मॉडल या एक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है? क्वालिटीज़ मैं तो कहूँगा एक एक्टर बनने के लिए कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, एक एक्टर बनने के लिए बस आपको कॉन्फिडेंस अच्छा चाहिए, कॉन्फिडेंस अच्छा चाहिए आपके, बस थोड़े बेसिक एक्टिंग स्किल्स होते हैं वो चाहिए। और मॉडलिंग का क्या, मॉडलिंग बस फिट रहो और कॉन्फिडेंट रहो, बन जाओगे मॉडल। और अपने ऊपर ध्यान दो, या बालों पे, बियर्ड पे, चेहरे पे, हर चीज़ पर ध्यान दो। वैसे बियर्ड मेरी नहीं आती है मेरी आती है, मैं मॉडल बन जाऊँगा। ओके सो अब एक मॉडल की लाइफ में फिट रहना, हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है? देखो एक आर्टिस्ट, मॉडलिंग इज़ एन आर्ट, एक्टिंग इज़ एन आर्ट, डांसिंग इज़ एन आर्ट, तो हम इस चीज़ को एक आर्टिस्ट के तौर से देखे जाते हैं, एक आर्ट देखा जाता है। तो कुछ भी आपको एक आर्टिस्ट बन के रहना है, इंडस्ट्री में रहना है, तो फिट रहना तो मस्ट है यार। आपके पास मतलब आप फिट हो तो आपके पास काम है, अगर आप फिट नहीं हो तो काम नहीं है, बस सिंपल थिंग है। बस ये एक मिथ है कि यार बॉडी चाहिए, एब्स चाहिए, डोले शोले चाहिए, फिट रहना ज़रूरी है कि लोग आपको ये देख के नहीं कह सकें कि ही इज़ टू चबी और ही इज़ टू स्किनी, बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंदा मीडियोकर है, ठीक है। ठीक है तो मैं मॉडल बन सकता हूँ? भाई भाई कहते रहते हैं भाई करवाते कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि जो भी बिगनर्स हैं वो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ में दिक्कत है या फिर मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है तो मैं इनका इंस्टाग्राम का आपकी आईडी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इन्हें फॉलो कीजिएगा। एंड जिन लोगों को नहीं पता, भाई एक यूट्यूबर भी हैं मैं हूँ भाई, मतलब शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, एंड इनका चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड कोई ओवरऑल एडवाइस अनरिलेटेड टू मॉडल, जस्ट रिलेटेड टू लाइफ? रिलेटेड टू लाइफ यार जो हो ना, आप जो आप रियल में हो, एक फेक पर्सनालिटी वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। जो आप रियल में हो वो दूसरे सामने वाले बंदे को वही दिखाओ, क्या पता कि उसको आपकी कुछ एक क्वालिटी ऐसी पसंद आ जाए कि वो आपके साथ लाइफ टाइम रहे और आपको आगे तक लेके जाए, किसी का कुछ नहीं पता। बस ये मेरा जो एडवाइस है कि आप किसी के आगे फेक मत बनो, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग, जैसे मैं जब जाता था कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास तो फेक बनते थे कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, फैलाना ढिमकाना ये वो, कि भाई ऐसे ऐसे है, आप ये करो, आप वो करो। यार देखो एक फेक पर्सनालिटी वाला बंदा ना कहीं नहीं जाता, जो एक जेन्युइन बंदा है, जिसका आपको एक फेक पर्सनालिटी और एक जेन्युइन बंदे का डिफरेंस आपको अपने आप उसकी बातों से पता लग जाता है। तो जेन्युइन रहो, अच्छे रहो, हर चीज़ लाइफ में अच्छी होगी। सो थैंक यू मच वेरी मच रशेश आपके विशेष टिप्पणियों के लिए एंड टिप्स एंड एडवाइस के लिए। होपफुली हमारी यंग ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, एंड भाई का चैनल है डिस्क्रिप्शन पे, ज़रूर जाके एक बार विजिट कीजिएगा, एक बार उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उनकी वीडियोस देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। एंड भाई ने मेरे को प्रॉमिस किया कि अगली वीडियो अगली शॉर्ट फिल्म में मुझे लेंगे, देखते हैं वो शॉर्ट फिल्म कब बनेगी।